हेलो भाई, अरुण पवार इंड्री भाई आपका हार्दिक स्वागत करता है। करता रहे अभी ये दो मैकेनिकल इंजीनियर से करता रहे कितना रहे भाई ये दो मैकेनिकल इंजीनियर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आज इनका रिव्यू करने वाला हूँ मैं कि क्या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको अपने होने वाले ऐसे बच्चे या फिर खुद आप भी जाने चाहिए या नहीं। एक्चुअली हमको जरूरत थोड़े से लिटिल लिटिल पेट्रोल की भाई, क्योंकि किया पे एक कुछ काम करना है हमको, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये तो 2016 मॉडल मोटरसाइकिल है, तब तक तो BS 4, 6, 3, 3 ये सिस्टम ही कोई जानता भी नहीं था भाई। देखो इसमें से निकाल लेने थे, आप बंद तो कर दे बेचारे की, ये झुला करता है ना, ऑन ही छोड़ दियो। हाँ भाई देखते हैं अब यादव क्या जोर लगाता है। ला एक वो तो ले आ, पेचकस बस ले आ। पा गया सिस्टम? यस। अरे एक बिहारी सोपे बिहार भाई। आ नहीं है भाई, नहीं है, सॉरी। ओ जैसे कैसे बैठो भैया, कोई ना खिला रहो है वजू यहाँ तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो भाई ऐसा रिस्क मतलब दिनेश वाली बात लिया, दो बूंद भाई। देख इंजीनियर बिगाड़ते हैं जब ही सीखते हैं। यू आर सेइंग यू आर इंजीनियर? यस भाई। कल देखने इन्होंने इतनी गंदी हैप्पी होली खेली, बहुत ज्यादा पूरा गंदा ही गंदा कर दिया। और गाड़ी देखो इंडोर का माहौल कैसा था, और एक आज का है जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही है भाई, ये सुख के बाद दुख क्यों आता है? ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगली होली तक ऐसे ही रहो। और जस्ट खड़ो अब तो, तू चल लो भी सीख लियो, खड़ो बाबू भाई। अब वहाँ पेचकस ना मिला। कैसे इंजीनियर हो भाई तुम? अरे ले यार, पेचकस पता है ना कौन सा होता है? पता तो है। आकाश पवार नेटफ्लिक्स एंड चिल। ई वाला चाहिए हमका, ई वाला चाहिए तो ई वाला निकल जाता पीछे। ई वाला दो तो वो तो लाओ कुछ। अरे बोतल लाओ, किसमें निकाल? अरे यार कपड़ा में ले लीजो ना, तू यार खोल तो ले, पहले निकाल लगो पागो। अबे ये कहाँ है, ये तो घूम रहा है इसी में। अरे भाई ये वाला ले ले भाई, देखते हैं। लो चलो यार, वैसे ही तेल ना रहे वहां तो एक्टिवा तो में ना निकले को यहाँ में तेल है ना लिखा लिखो में ते ना निकले रहेंदे तो रहेंदे ना है मैं कोई पूरा है ना। अब इंजीनियरिंग खाट रहा वही तो यहाँ में तेरा लिखा तेल कभी भी रहेंदे ना छोड़ यहाँ में है ना तेल का असली ठीक है। ओके तो और कुछ खराब तो कर यहाँ में ना है लिखो में ठीक है ना निकाल रहे पापा ने मना कर दिया, इंजीनियर फेल हो गया भाई। एलपीयू मत भेज दे किसी को, एलपीयू में मत भेज दे वो बेचारा। मैं आ रही है कि नहीं तू देख? हां यार मैं तो आई है। तू जुड़ेगा ना चाहे तो दोबारा? क्यों ना जुड़ेगा, छोड़ ना उनकी मंदी का हौसला और ना आ जाओ। अरे कहां होता है ये सर्विस जब करते हैं ना, इस पाइप में से तेल निकालते हैं, ये यहां नीचे पड़ा है। अरे निकाल रहे तो भैया पाछे में ते भी है तेल, ठीक है हमारी में ते भी निकाल रहा है। इस पेज को खोल के बस निकल जाता है, इस पेज को देख। अरे पेज का भी लगे ना दोबारा, अरे तो लूज ही तो करना है बस। हमारी मोटरसाइकिल की सर्विस कर रहे हैं, हमारी में तो तेल निकाल रहे हैं। बोल दो आकाश में से निकाल दूं मैं तो ना, कहां से निकाल रहे ना यार, मैं मत निकाल रहे। चल आ जाओ वहां तक ले आऊं मैं, आ जा थोड़ी देर तो मैं दिल्ली में दीवार लगा दूं। भाई ये वो ये पा गया हूं मोटरसाइकिल। कहां कहां है यू दिखाइयो? यूरो कौन सा यूरो? तो यू खोलना पड़ेगा। ए अगर तो भैया मैं भी ना निकलो ना, दिनेश ने एक दिन ऐसे निकाल दिया, मैं एक नली सी तुरंत बाहर निकाल कर झट तुरंत निकाल दिया वाने। बुलाऊं दिनेश है? ए इंजीनियर दिनेश ले चोरी करी निकल दो यार, तो कहीं मैं लूं यार चोरी में ले ले, तो यहां मैं ले लूं यहां मैं ले ले। ए मैं कौन से कहीं में डाल लूं यार, धो तो ले किसकी है नहीं पता ना, जल्दी ला। ओए तेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल चोरी कर रहा है कौन? अबे ऐसे क्यों कर रहा है, ले जाना। यू कहां से आ गए? यू कहां से आ गए तो यार आते हैं क्यों कल हो लेगी ना, जब जब खाली अपन की मैं तो एक ट्रिप लग सके जहां से वहां तक की, क्योंकि यार चोरी है जाए तेल टंकी भर रही है, इसका चाबी खोल के दो तो जाओ ना चोरी।
और एक ही को पलक की है पागल दिखा तो खोल लेता है इंजीनियर तो यहाँ भी निकल जाए देख यहाँ से कैसे निकलता रुको तुम्हारा खुद का पेट्रोल पंप है क्या उठ रही सुई तो रिजर्व में हाँ जरूर आवेगी ऊपर का भी रुक जा रुक जा आवेगी सॉरी हम इतना वेट नहीं कर सकते आ जाओ कहाँ से खोल ली थे कहाँ से खुल जाए ना क्यों बताओ पागल यार ऐसे निकाल ले ले लो तेल हाँ तो यूँ भी खर्रो तेल और दिखाइए दिखाइए चल रही हो ये तो मुंह में लगे हो अम्मा की मोटरसाइकिल में तेल चोर लियो इतनो सारो चोरी कर रहे थे आ जाओ तो करो तेल ना भरवाई जा रहा हो चोरी कर रहे तेल ना भरो अरे ये तो कल का चकना पड़ा है किसी का जी भाई होली को लोगों ने कितने गंदे उसके साथ आजकल लिंक कर दिया है बहुत बहुत गंदे तरीके से यू है चोर अपनी मोटरसाइकिल में इसमें डालूंगा इसमें जो बच जाए ना वहां मेरी मोटरसाइकिल में गिर गई है अब भाई हमको ये छुटाना है इससे ये देखने किया वालों ने ना खावा खा ये चिपका दिया अपनी एडवर्टाइजमेंट मैंने अपनी गाड़ी पे कुछ मैं रखता नहीं है उनका प्रमोशन किया फिया का फालतू में क्यों रखूं अब सर्विस करवाने गया था इसकी लास्ट अबे छूट ही नहीं रहा पता नहीं कैसा मटेरियल है ये भाई तो इसको पेट्रोल से ही छुड़ाया जाए ये सबने अपना फास्ट छुड़ाया था ना और ये देखने में मेरे को इतना इरिटेटिंग लग रहा है उसी दिन मैंने भाई देखो पता नहीं क्या ये मैंने चिपकाते ही हटा दिया था ये और इतना सही हटा बस ये हट ही नहीं रहा पता नहीं क्या सौदा पन्नी सी लो भैया वो तो गया इसका काम देखो पेट्रोल यहाँ पे वैसा लगा देना यार तू उंगली पे वैसा लेके घनो घनो गाड़ी में महक बन जाएगी तो हाँ ये भी है पेट्रोल की महक ही तो बेकार है लो या वालों का सफाया हो गया है मैं पेट्रोल की एक लेयर बना दे यहाँ पर फिर कच्चो है जाएगा जॉइंट गुड इंजीनियर्स नाइस ले और ले इतना सारा है क्या करना है इनका मेरे मोटरसाइकिल में गिर लगा दे नहीं नहीं खसम क्यों बना रहा है इसमें मिक्स हो जाएगा ना नहीं नहीं खसम ना बना रहा तू भी एक तो भाई अभी मैंने गणेश जी चिपकाए यहाँ पे फेविक्विक से देखो और दूसरा भैया ये जो डैश कैम है ये किसी न किस कारण से इस पर टिकता ही नहीं है यार उसमें इंडे भर है एक बार लगवाया था आज तक लगा पड़ा है इसका ये निकू भाई को दी थी तब से उन्होंने ये भी निकाल दिया तो इस पर ये बहुत ही जम रहा है यार पहले जो पेस्टिंग सी होती है ना तो ये निकल जाए तो बढ़िया निकल रही ना निकल रही है ये हाँ फेविक्विक है ये हर बार जैसे लगाऊँ ना तो रह जाए वो घनी से छड़क दो पूरा पेट्रोल ही डाल देना है पेट्रोल ही है भाई अच्छा अभी ये सब करने के बाद भाई घर पे आ गया हूँ अपने और भाई एक चीज आपको मैं क्या बताऊँ होंडा की सर्विस करवाने आए थे आकाश और अबे वो होंडा की क्या नाम है स्कूटी की भी अपनी एक्टिवा की और अपाचे की तो बाहर करवाती क्योंकि पेड सर्विस जो वो फ्री सर्विस वो खत्म हो गई और वहाँ पे महंगा 2000 का बिल बनाते हैं बाहर 500-600 रुपये में सर्विस हो जाए 1500 से क्यों ठगे सेम चीज़ वो यूज़ करते हैं अब क्या हुआ भाई होंडा का हमने ली थी 22 दिसंबर को हाँ अब भाई मार्च में आके उसकी सर्विस करवा रहे हैं 26 मार्च है कितनी 27 मार्च है जन होली के बाद हैं तो भाई झट क्या हुआ अब ये पहुँचे उसको लेके अब रहता ना कि एक महीने में सर्विस हो जाएगी एक महीने में सर्विस करवानी पड़ती है फिर 500 किलोमीटर अब स्कूटी हमारी चली 700-800 किलोमीटर है तो हमको ये था कि चल जाएगी जब सर्विस करवा लेंगे अब भैया उसको लेके गए उन्होंने मना कर दिया इसकी सर्विस नहीं हो सकती नॉनसेंस व्हाट इज दिस नॉनसेंस मेरे को सुन के इतना गुस्सा है मैं क्यों कह रहा अब वो वाली तो वो हो गई आपकी एक्सपायर वो वाली सर्विस तो और अब आपको क्या करना पड़ेगा तो 6 महीने चलाओ या फिर 5000 किलोमीटर पे करवाना तो मेरी बुद्धि चटक रही है यहाँ पे 4 महीना में 700 किलोमीटर चली है 5000 तो कितने साल में चलेगी मतलब वो एक्सपायर कर दी यार सर्विस तो मैंने कहा यार सब इनसे पूछ अल्टरनेटिव क्या है अब देखो सर्विस में मैं बताता हूँ गाड़ी हो चाहे बाइक हो फ्री क्या होता है लेबर चार्ज वो बस नाम की फ्री सर्विस होती है बस लेबर होती है अब गाड़ी इनमें लगे ही कितना लेबर है बताओ आप ये स्कूटी वगैरह में
उनमें लगा 300 रुपए। मैंने कह दी चल इन तो कहते 300 रुपए हम दे देंगे भाई, तुम सर्विस करो यार स्कूटी, कभी कभार आज मूड बनो यार वैसे ही स्कूटी वगैरह पे ना हो जाओ, मैं कर दो 300 रुपया यार, कोई हम पिज्जा पिज्जा ऐसे मंगवाते रहे जोमेटो वोमेटो खा लें, एक सोचेंगे कम खा लियो एक जगह यार, और क्या है बताओ यार। मारे अब चलो होंडा शोरूम में, पर ये गलत चीज है यार भाई, आप लोग अगर होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटी लो तो इस चीज का ध्यान रखो, ये तो स्ट्रिक्ट है इस चीज में, एक महीना तो मतलब एक महीने में करवानी पड़ेगी गाड़ी घोड़ाओं में तो यार। अब जैसे मैंने क्रेटा 2700 किलोमीटर चला दी, 1000 रुपए करवा नहीं रहे, वे उनकी इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वे न्यू कह देंगे कि हम ना कर रहे, या फिर वो हमारा दातू दोस्त पाकिस्तानी भाई उसने भाई मेरे ख्याल से 1500 से 2000 रुपए करवाई, ये क्या मतलब है यार इनका हद है भाई। अभी हम आ गए होंडा शोरूम में, सर्विस अपनी चल रही है, तो आकाश का मन आ गया हॉर्नेट पे, तो इसने अपनी अपाची की वो लगवा दी वैल्यू, क्योंकि आए दिन कोई दिक्कत आई रहती है। अब इसकी रीसेल पता कितनी मिल रही है भाई, 1,55,000 इसने 55 की ली थी, वो 1,55 की ली थी ना, 1,45 भाई इसकी वैल्यू आई है 55,000 रुपए। बेच दो भाई ले लो हॉर्नेट ले लो, गिलास भी अच्छी तगड़े देगी हम भाई, 80-90 तो मिल जाए ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ। 1,10 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहे हैं, मिलेगी आफ्टर मार्केट मिल जाएगी ऐसे बाहर। कितने की? लोकल ना चलिए, 1,00,000 10 हाँ 1,10 तो गाड़ी के ना मिले, 90-90,000। एक और डीलर से पूछवाया, उसने तो हद ही कर दी, उसने 36,000 बोले, मतलब भाई ठीक है चलो भाई इनको दे दिया, इनकी सर्विस काफी अच्छी है यार सोना वालों की। और ये भाई एक्टिवा जो हमने पलवल से हम लाए थे 90,000 रुपए की लाए थे, अरे यू भी तो चलेगा वहीं गाड़ी में या मैं क्यों चलना देखते हैं इस लाइन में, जूता चप्पल मिले चल चल तो रहे हैं। पर मैं एक मिनट बात करो, हमने 90 की लिया देख कैसे गर्मी खा रही है, तो भाई आना बात है 989 की तो ये दे रहे हैं, हमने 90 के लिए और कागज आए थे शांति के लिए, ये कैसी शांति है, अरे ये थोड़ा लेट चलता है म्यूट का बटन इसका। ये बूढ़ी ना हुई है तो मैं वो बता रहा था, ये 89 की तो अब भी दे रहे हैं, और वहां 90 कैसे चिक चिक कर 89 विद एक्सेसरीज एक्टिवा 90 का नहीं है, तो वो ना कोई 36 जगह फोन करे 90 90 90, हाँ। नहीं होगा 89 की अब दे रहे हैं वैसे ही, और जबकि हमने वो तो पुराने साल में ली, ये गुड़गांव नहीं है, साउथ गुड़गांव में है तू, साउथ गुड़गांव में तो सस्ता होना महंगा होना सोना होंडा, अरे हमें यहाँ ना ट्राई करने आनो चाहिए, वहां सीधे ना जानो चाहिए। हाँ यार सही कह रहा हूँ, अगर हम फुल कैश देते तो कर भाई देख, एक शोरूम पे आने की बात अलग रहे, तेने जज कर लिए कि ओ भाई कोटेशन ना भेज रहे, तेरे जैसे 36 मांगते हैं कोटेशन पोटेशन, अरे वो मेरे आवाज से ही पहचान लेते हैं, अरे तो आकाश पवार कॉल कर रहे हरी करे ओ हरी, अरे नहीं सर्विस वाला थोड़ा सा पार्ट मुझे रीरेटिंग लगा, चार महीने बाद हम जाएंगे अब थोड़ी मूंग उठा के कभी भी चले जाओ सर्विस कर दो, ये कभी सेल में इनको दिखा के ला, एक साल तक बिना इंजन के चला दो, बोलोगे तुम्हारी तो गाड़ी खराब है ससुरी धुआं दे गई, ट्रैफिक लाइट लगा दी पहले अपने ही भग जावे इधर उधर, अरे दारू का ठेका था ना, दारूबाज निकलते थे तो किसी में नहीं, दारूबाजों के लिए गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत हो जाती थी। आगे भाई 90% सेल में, और ये देखो कितना बड़ा गिलास, आगे इतना बड़ा गिलास क्या करोगे भाई, अब बियर से वोटेड ड्रिंक बियर 25% उस पर तो काफी गुड डील है। चलो और भाई देख लो ग्लास वगैरह पे खड़े हो आप देखो भाई चलते चलते 3300 रुपए करवा दिए इस लड़के ने मेरे, हम चलते चलते होंडा वाले ने गुतरो 300 रुपए के ऊपर 300 रुपए सर्विस के ऊपर, यहाँ फालतू कप प्लेट कहाँ कहाँ लिए हैं देखना, ये बेल फेल बेल का नहीं है तो कोई परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो भाई ना कुछ ना भाई कोई ना लेकर जाओ घर के आगे, तो यही रहेगा कि चार नींबू और चार मिर्ची के नींबू डाल दियो, वेरी बढ़िया आ जाओ आकाश शॉपिंग डेड काफी गुड है भाई, रेट्स वगैरह यहाँ पे काफी ठीक है। नहीं भाई थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ये अच्छी है भाई, मतलब यार जो अमेजोन के मतलब मैंने पूछा ना, हाँ पानी फ्री का मिल रहा है ले ले, अरे पानी ठीक है, अरे यू गाड़ी किसने लगा दी
हटवाइयो किसकी बलेनो वाले यार, बलेनो वालों में सऊर नहीं होता क्या? चल भाई अब बैठो तो है भीतर ही, थोड़ा आगे कर रहा है, निकालना है। वाह भाई आज एल्विस भाई की फॉर्च्यूनर हमारे सोना में खड़ी है, वाह काफी गुड हो गया ये तो, 0001 कस्टम गैराज वाले। तो भाई फिलहाल अपना हो रहा है लंच टाइम, आज बहुत तगड़े से ढाबे पे आए हैं। आ जा आ जा, मैं रिलैक्स होके बैठ के खाता हूँ, चल जाएगा तुम बैठो तो सही। वो कितना गुड खाना होता है भाई यहाँ का, सस्ता भाई। देखो मार्केट का मजा देखो आप, है ये अपना मस्त लंच। मैं आपको रिव्यू देता हूँ जरा, सब्जी कैसी है, हमने खूब खा था वैसे दोस्त, स्पाइसी रखना। अब भाई देखो अगर हमारी होंडा की सर्विस आज मतलब वो लेबर नहीं लेते तो अब हमारा खाना आज का फ्री हो जाता, क्योंकि 310 का बिल बना और 300 वहाँ पे देने हैं, है ना। तो हम फ्री की सी रोटी खा लेते। गेंडा का जूस नहीं ब्रो, अच्छा नहीं, नो ब्रो गला वैसे ही ख़राब है, कल तुमने होली ऐसी खिलाई भाई, गर्म दूध पियो मैंने और एक अगले ही मिनट इन्हें मैं पानी तो भेज दिया बहुत ज़्यादा, तो मेरा गला ख़राब हो गया। चलो बाजार में आके अपना वो भी दे गया भाई, वो हैवल्स का बहुत सारा सामान बच गया था। अरे वीडियो ना बनाई यार, मेन तो हम वहाँ लंच करने आई मारे गए, वो दुकानदार वाले भाई थे नहीं, मैंने दिखाया जिन ना दिखाया ना दिखाया था सॉरी भाई, वो रिटर्न कर दिए। खामा घर पे इतना कूड़ा पड़ो भाई, स्विच बोर्ड वगैरह जब गए घर बना में 3000 रुपये का माल पड़ो नहीं खामा खा, तो वो भी भाई साहब ने मतलब उसके बदले में पंखा ले लिया था मैंने, वो क्रम्पटन वाला कुछ 3000 रुपये का, वो डिज़ाइनर वाला उसके बदले में ये हो गया, क्या बात बन गई। नहीं तो वो पड़े ही रहते छत पे कुदरती, मैंने एक दिन देख लिए वो पन्नी पैक पड़े बिल्कुल नए नए, मैं कहा खामा वेस्ट है यार ये तो। ये देखो भाई एल्विस भाई की गाड़ी, एल्विस भाई नहीं है उनके जीजा आ रहे हैं, जीजा और मतलब कुछ काम से आए हैं प्रॉपर्टी वगैरह से, मैं क्या डिस्टर्ब करूं भाई किसी को, पर्सनल फैमिली है तो पता नहीं कहां आए हैं कहां जा रहे हैं। और भाई अब करवा लेते अपनी गाड़ी की जरा टंकी फुल, पेट्रोल पंप पे 2 रुपये सस्ता हो गया है, 87 रुपीज का है फिलहाल, अब चलेगी वो तेरी दुनिया भर की। तो भाई वो स्टील गेट के लिए बहुत दिन से डोल रहा था मैं, अब ज़्यादा सीरियस हो गया, बहुत शिकायत आ रही है भाई, ओ चेहरा उसमें से दाग जाता है बाहर ऐसा है वो ऐसा, और इसमें तो चलो कम खाने हैं और आदमी घुस जाएगा हमें उसका भी डर है। तो भाई एक दुकान फाइनल ढूंढ के ओए भाई को मिस्त्री को लेकर जा रहा हूँ नाप नूप लेने के लिए, ये भाई कह रहा कि भाई लकड़ी यहाँ से ले आओ और खाती को पैसे दे देना कारपेंटर को, क्यों पड़ रहा चक्कर हो मैं छोड़ो। मैंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, हम पे फटी ना पर क्यों बताऊँ झूठ बोलूँ, तुम 500,000 रुपये तमी वैसे ले लियो ऊपर कमीशन जो भी बट एवर, पर हमने कर लो यार, कौन दुकान पर जावे लेने वाली पे वहाँ टाइम वेस्ट करे, कौन खाती ढूंढे। तो कह रहा ठीक है भैया हम जोड़ देंगे, हमें 500,000 रुपये कमाने कैसी कमा लें, मैं कहा चलो एक हल नाप दे दूँ यार उसको रेडी तो करवाऊँ, आलस में हम कितने दिन से पड़े हैं, सारे काम निपटा रहा हूँ, शेरा का पट्टा और बेल भी ले लिया मैंने बढ़िया वाला, क्या कासर गए थे उसको लेने, चलो वो भी चल के दिखाता हूँ, पहले तो वो बांधना पड़ेगा शेर खान। और ये हमारे शेर खान आकाश पवार अपनी अपाचे का लाड़ दिखाते हुए, क्योंकि भाई उसकी 160 सीसी की है और ये बेचारी 100 सीसी की है, तो देखो इतना ही 100 मीटर का गैप लेके चल रहा है आकाश पवार या यादव से, दोनों की सर्विस हो गई है मस्त दौड़ा रहे हैं। इसका बिल आया होगा 600 कुछ रुपये आया होगा, 300 रुपये इंजन ऑयल के, 300 रुपये लेबर चार्ज के, और इसमें कुछ पता लेबर 300 रुपये बस वो डालने के इंजन ऑयल, आगे से मैंने तो सोच लिया ऑनलाइन मंगवा लिया करूँगा इंजन ऑयल, क्योंकि ऑफलाइन में तो घपला बहुत ज़्यादा रहता बताया नकली तेल देते हैं, तो वो मंगवा लो खुद डाल लो इनमें, डालने में होता क्या है, 300-300 रुपये कब तक देते रहोगे होंडा फंडा को भाई। तो भाई ये शॉपिंग करके लाए हम, ये मसाजर भी आकाश अपने लिए लाया स्पेशल, ये घंटी लाया था आकाश से, देखो और ये अब भाभी डर गई इतने बड़े बड़े कबों में तो हम मर जाएंगे, चाय पिलाते पिलाते भाई बहुत ही यूज है, हम ना मरेंगे और पीने वालों को, मस्त है ना यू एक स्पीड पे बहुत तगड़ा चला लगाए लगाए, बटन दबा स्पीड बढ़ेगी, कहाँ है बटन ये वाली, हाँ अरे ये डोर की घंटी लोग वहां बजावे हमारे यार लगा दे यार नीचे। भाई आजकल रील्स का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है यूथ पे हमारी पे, आज एक रील आई 10-15 सेकंड की रील, उसमें घंटी कहती है अगर होली के कलर्स नहीं निकल रहे तो
इनो लो और एक नींबू लो और आपके कलर से निकल जाएंगे, शैम्पू भी। तो ये दोनों जने जाके दुकान पे से एफर्ट्स करके इनो लाए हैं। नहीं, हम आकाश को टेटनस का इंजेक्शन दिलवाने गए, फिर हमको। अरे शेरा खा गया क्या आपको? दिखाओ 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 दिखाओ, ये देखो ये देखो ये देखो, वाओ वाओ, वो तो काफी गुड लविंग डॉग है। लगवाओ टेटनस, कितने को लगाओ? 100 रुपया। पीछे लगाओ, हाथ पे। आहा, मजा आया, लविंग डॉग। अरे चूट क्यों नहीं रहा ये? लगा दूंगा मैं, हमारे भाई भी तो सुन ले, रील्स में कितनी सच्चाई रहती है। अरे आंटी कच भी ना हो ये तो जैसे सब आंटी डीएम करना, दिखा के आया ही है। इसमें से इनो कहाँ गया? इनो भाई हमें एकदम उड़ जाता है, वो एकदम पीना होता है, अगर आपने कभी पिया हो तो डाल के और एकदम पी। देख कुछ भी ना है, कुछ तेरा भी ना है रही तो। वेस्ट है भाई, तो गोला तेल तो ही है रो। अरे गोला इससे 5 भाई छुड़ा दे रहा है यार, 5 भाई से कम से कम हरा हरा कुछ निकलता तो दिख रहा है। अरे भाई तो तू यार इतने वो क्यों कर रहा है, अपने आप निकल जाएगा जैसे फेस पे निकल गया। अरे कंपनी भी जाना है ब्रो, तो ये अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो क्या भाई? मेरा तो देखो सारा कलर हट गया, मैं तो यहाँ फालतू हरकत करता हूँ। हमारे भी नहीं है, देख ले फालतू हरकत। देखो भाई फालतू हरकत करनी क्यों है, दूसरों को ऐसे कलर लगाने क्यों है जो छूटे ही नहीं, राइट? थोड़ा बहुत लगता है ओनली भी, पर यहाँ मैं तो दिख ही नहीं रहा। बिचंडा कहाँ कर रहा है भाई तू? और भाई वो गेट वाले के रेट तो आप पूछो ही मत ना, उसने इतना मतलब उसने तो उस छोटे से गेट के 14,000 रुपये लकड़ी के मांग रहो और 3,000 रुपये की लेबर, उसमें एक घंटे का भी लेबर का काम ना, मतलब पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं इन लोगों नज़र में। मैंने तो ये 2 गाली दे के फ़ोन काट दिया उसका कि तो अपने घर रहे यार। 17,000 रुपये की लकड़ी, इतने तो गेट ना बनाओ, इतने को तो स्टील को पूरा जितने की लकड़ी लगा रहा है, कते ठग ही रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी और दुकान पर देखूँगा उसका।